आज हमारे पास आया सैमसंग का S9, जिसका टच ग्लास टूटा हुआ था। इसका हम टच ग्लास चेंज करेंगे। ये पेपर LED होती है और साइडों से कर्व होता है। इसका ग्लास चेंज करने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे बाकी नॉर्मल करते हैं वैसे नहीं होता है ये। पहले हम सेट को हीट करेंगे 90 डिग्री पर 5 मिनट के लिए, जिससे इसका बैक ढक्कन आसानी से रिमूव हो जाएगा और अपना ग्लू वगैरह छोड़ देगा। अब हम इसके सारे स्क्रू वगैरह खोलेंगे और इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। सारे स्क्रू हम एक डिब्बे में रख लेंगे और इसका मदरबोर्ड भी निकालेंगे, उसे भी डिब्बे में रख लेंगे। और इसके बाद हम इसका जो बैटरी है उसे निकालेंगे। बैटरी निकालने के लिए हमें जहाँ पे केमिकल डालेंगे दोनों टाइप, इस तरफ और दूसरी तरफ, जिससे हमारी बैटरी आसानी से ये अपनी ग्रिप छोड़ देगी। जो इसके नीचे ग्लू लगा होता है बहुत नरम पड़ जाता है और हमारी बैटरी बेंड वगैरह भी नहीं होती। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बैटरी बाहर आ गई है, हमें कोई जो ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। हम इसके S9 के ऊपर और नीचे बेजल होते हैं, बेजल पे हम कट लगाएंगे, जिससे हमारा जो ग्लास कटिंग का वायर है वो ग्लास के अंदर जा सके। पहले हम ऊपर से इसे कट करेंगे, बेजल को कट कर हम इसका जो ग्लास ऊपर का है उसे निकाल लेंगे और उससे स्पेस बनेगा जिससे हम इसमें वायर डाल सकेंगे। इस टाइम हमें ध्यान से इसे काटना है, हमने LCD को नहीं काटना है। बेजल को निकालेंगे, बेजल को निकालने के लिए जहाँ पर थोड़ा OCA ग्लू रिमूवर डालेंगे, जिससे ये ग्लू अपनी पकड़ छोड़ देगा और आसानी से ये बाहर आ जाएगा। अब ब्लेड की मदद से इसका जो कांच है ऊपर का उसे निकालेंगे। पूरे ध्यान से हमने इसे निकालना है, हमने कोई भी LCD के बीच जो पीस हो उसे नहीं खींचना है, जिससे हमारी जो है पेपर LED है वो पंक्चर हो जाती है और ब्लैक डॉट बन जाता है। हमने ऊपर से इसका जो बेजल है उसे काट दिया है। अब हम उसी पेपर लेंगे, इसे ग्लास और डिस्प्ले के बीच फंसाएंगे, जिससे हमारे जहाँ स्पेस बनेगा इस पे थोड़ा सा हम ग्लू रिमूवर डालेंगे, उसी रिमूवर, जिससे हमारा ये पेपर आसानी से अंदर चला जाएगा। अब हम इसमें वायर डालेंगे। वायर हम 0.3 का यूज़ कर रहे हैं। वायर को हमने बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, जहाँ जहाँ से टूटा है हमने देखना है कि वायर पर जोर ना पड़े। अगर कई बार ऐसा होता है किनारा ग्लास का टूटा होता है और जो हम वायर खींचेंगे वो LCD की का जो पेपर है उसे भी काट देता है, जैसे हमारी डिस्प्ले डैमेज हो जा सकती है। इसलिए हमने देखना है कि हमारा ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए जब हम वायर खींचें। हमने आहिस्ते आहिस्ते वायर खींचना है और जहाँ भी वायर फंसे हमने वहाँ पर OC पेपर को फंसा कर जगह बना लेनी है, जहाँ से भी ग्लास टूटा है हमारा वायर रुके। हमारा वायर जैसे चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक जगह जब ये रुकेगा तो वो डिस्प्ले को काट डालेगा, क्योंकि ये पेपर LED होती है आसानी से डैमेज हो जाती है। हमने जैसे पहले एक साइड का ग्लू काटना है, फिर दूसरी साइड का काटना है, जैसे हम दूसरी नॉर्मल LCD पे करते हैं साथ साथ में दोनों साइडों का ग्लू काटते जाते हैं, वैसे इसका ग्लू नहीं कटता, क्योंकि ये साइडों से कर्व होती है। अगर हम वैसे ग्लू काटेंगे तो हमारी जो LED वो कट जाएगी, क्योंकि इसकी जो LED है पेपर जैसी नरम होती है। हमने ध्यान से इसके दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर चलाना है, एक तरफ से ज़्यादा खींच कर फिर दूसरी साइड से खींचना है। देखिए हमारा जहाँ बाहर फंस रहा था हमने जहाँ पर उसी पेपर लगा लिया था, उससे हमारा जो ग्लास के बीच में जगह बन जाती है और हमारी बाहर आसानी से अंदर घुस जाती है, वरना किनारे टूटे होते हैं वहाँ पर बाहर फंसने शुरू हो जाता है। अब हम इसका एक साइड से खींचेंगे बाहर को, फिर दूसरी साइड से खींचेंगे, जिससे हमारा ग्लास आसानी से निकल जाएगा। इस LCD का ऊपर से ग्लास ज़्यादा टूटा हुआ था, इसलिए हमें ऊपर बहुत टाइम लग रहा था। नीचे से इसका ग्लास इतना ज़्यादा टूटा नहीं था, इसलिए आसानी से नीचे से निकल जाएगा। जहाँ जहाँ से ग्लास टूटा होता है वहाँ से थोड़ा हमें आहिस्ते वायर चलाना पड़ता है, और हमने जो हमारी वायर है उसे बैक नहीं खींचना ज़्यादा, हमने सिर्फ उसे आगे की तरफ ही चलाना है। बहुत कम जगह पर ही हमें उसे, जब आसानी से खींच रहा हो तभी बैक खींचना है, वरना हमने उसे एक साइड ही चलाना है। जैसे देख सकते हैं हमने एक साइड का ग्लू काटा, अब हम दूसरी साइड का ग्लू काटेंगे और बाहर हम लगातार आगे की तरफ भी खींच रहे हैं, पीछे को नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये पेपर LED होती है, इसमें छोटा सा भी ग्लास का पीस आ गया वो LCD में शेक कर डालेगा और वहाँ पर ब्लैक डॉट वगैरह बन जाएगा या लाइन वगैरह बन जाएगी। अब हम नीचे एज की तरफ आ गए हैं, नीचे की साइड हमने वायर को उठा कर खींचना है, हमने नीचे को वायर नहीं खींचना है, जिससे हमारा जो पत्ता वगैरह उसे कोई डैमेज वगैरह ना हो। वैसे तो इसका पत्ता एकदम मुड़ा होता है, उसके कटने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हम दोनों टाइप तरफ से इसका ग्लास कट दिया है, देख सकते हैं हमारा आधा टूटा हुआ ग्लास बाहर निकल चुका है।
हमने इसे टेप नहीं लगानी, इसके ग्लास को जितना निकलता जाता है उतना ही अच्छा रहता है ये। अब हम नीचे से इसका बाहर काटेंगे, देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा ग्लू रह गया कटने का, बाकी हमारी डिस्प्ले निकल चुकी है, हमारा पूरा प्रॉपर ग्लास निकल गया है, हमारी LCD को कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ, कहीं से कटी पटी नहीं है। अब हम इसका जो ग्लू है उसे का क्लीन करेंगे, इसके लिए हम ये रोलर मशीन का यूज़ करते हैं, इससे हम जो इसका उसे हमने ध्यान रखना है इस पर कोई ग्लास का पीस ना हो, अगर इस पर कोई ग्लास का पीस हुआ तो वो स्क्रैच डाल देगा LCD पे। पहले हमने LCD से ग्लास के पीस को अलग किया सभी को, अब हमें रोलर की मदद से इसका जो ग्लू है उसको उठाएंगे, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा ग्लू उठाना है। अब हम इसे जो हमारा फेलकॉन आता है 530 उससे इसे क्लीन करना है अच्छे से, इसके चारों तरफ से क्लीन करना है, कहीं भी हमें इस पे पुराना उसी ग्लू नहीं छोड़ना है। इसे ग्लू को हम साफ पहले अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर जो हमारी LCD है इसे फ्रेम से बाहर निकालेंगे। फ्रेम से बाहर निकाल कर पंचिंग करने से इसमें कोई बबल वगैरह ज़्यादा नहीं रहते, अगर हम फ्रेम में इसकी पंचिंग कर देते हैं, पंचिंग तो हो जाती है कई बार, ग्लास का छोटा सा पीस भी इसमें छोटा सा पीस भी रह गया तो बांस LCD हमारी पंक्चर हो जाती है। आप देख सकते हैं हम LCD को चेक करेंगे, पहले हमारी डिस्प्ले एकदम ओके है, आप देख सकते हैं कोई लाइन वगैरह नहीं बनी, कोई डॉट वगैरह नहीं बना है। अब हम डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे, इसके लिए ये जो डिस्प्ले होती है इसके साइडों पे टेप लगा होता है ब्लैक कलर का, डबल टेप होता है नीचे दोनों साइड, उसे रिमूव करेंगे। इसके लिए हम पेपर को ज़्यादा अंदर नहीं डालेंगे, पहले स्पेस बनाएंगे, स्पेस बनाकर हम इसे चारों तरफ घुमाएंगे, साथ साथ में उसी ग्लू रिमूवर डालते जाएंगे। हमने ग्लू रिमूवर डालकर फिर ही पेपर को चलाना है, फिर ही LCD बाहर निकलेगी। अगर हम इसे ज़बरदस्ती करेंगे थोड़ा सा भी तो इसमें एकदम से लाइन बन जाएगा, जहाँ ब्लैक डॉट बन जाएंगे। हमने साथ साथ में ग्लू रिमूवर डालते जाना है, फिर ही LCD में ये OC पेपर चलाना है, इसके बिना हमने कोई दवा नहीं डालना है। टेम्परेचर इस टाइम हमारा 80 डिग्री है, हमने साथ साथ जितना हो सके उतना ग्लू यूज़ करना है, इससे हमारी LCD बिना डैमेज हुए बाहर आ जाएगी। अब हम दोनों साइडों पर ग्लू डालेंगे और आहिस्ते आहिस्ते उसी पेपर को नीचे पीछे की तरफ खींचेंगे, हमने जहाँ पर पत्ता है वहाँ जाकर रुक जाना है, वहाँ से हमने इसे नहीं खींचना है जिससे हमारा पत्ता ना कटे। देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले ऊपर से उठ चुकी है। अब हम इसका साइडों में केमिकल डालेंगे, ये दोनों तरफ ग्लू रिमूवर जो उसी हमारा है उसे डाल के LCD को बाहर निकालेंगे। आप ये LCD पेपर LCD होती है, ये हीट होने के बाद बेंड हो जाता है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले जो बाहर आ चुकी है, जहाँ जहाँ से भी हमें लगे कि डिस्प्ले अभी चिपका हुआ है वहाँ पे हमने ये उसी ग्लू रिमूवर डालना है, जिससे हमारी डिस्प्ले आसानी से ग्लू छोड़ देगी। देख सकते हैं हमारी LCD कैसे बेंड हो चुकी है, ये पेपर LED होती है, ये हीट की मदद से बेंड हो जाती है और जब ये ठंडी होती है अपनी शेप में वापस आना शुरू हो जाती है, ये बेंड वगैरह थोड़ा झेल जाती है। देख सकते हैं हमारी टच वगैरह एकदम ओके है, डिस्प्ले में कोई भी लाइन या धब्बा नहीं आया है। अब हम इसके ऊपर उसी ग्लास लगाएंगे, उसी ग्लास लगाने के लिए हम डिस्प्ले को एक बार फेलकॉन मदद से अच्छे से साफ करेंगे, जिससे इसमें कोई डॉट वगैरह या निशान वगैरह ना आए। इसके लिए हम उसी वाला ग्लास यूज़ करेंगे, उसका हम पहले वेस्ट उसी पेपर निकालेंगे, अब इसे ऊपर अलाइन करेंगे। इस टाइम हमें ध्यान से अलाइन करना है, डिस्प्ले हमारी पर एकदम अच्छे से साइडों से बैठनी चाहिए, और पंचिंग के लिए हम जो ये वाइट रबड़ आता है, मैजिक रबड़ बोलते हैं इसे, वो ही यूज़ करेंगे। इस पे कोई भी LCD हम पंच कर सकते हैं, इसमें कोई भी फ्रेम वाली भी LCD पंच हो जाती है और एज पे LCD भी पंच हो जाती है, कोई भी डैमेज वगैरह नहीं बनता, यह बहुत ही अच्छी रबड़ है, ये मार्केट में 1400 से 1500 के प्राइस में मिलती है। आप देख सकते हैं हमारी पंचिंग कितनी अच्छी हुई है, थोड़े थोड़े बबल हैं छोटे छोटे, इसे हम जो बबल रिमूवर में रखेंगे 15 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं हमारे सारे बबल जा चुके हैं। अब हम डिस्प्ले की टच वगैरह चेक करेंगे, टच चेक करने के लिए हम *#0*# कोड लगाएंगे और टच वाले सेक्शन में जाके इसकी टच चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी टच एकदम ओके है। अब हम इसे सेट में फिट कर देंगे, आप देख सकते हैं हमारा सेट कितना शानदार रेडी हुआ है, एकदम अच्छे से नया जैसा टच सेट बना है। देख सकते हैं टच वगैरह एकदम ओके चल रहा है और ग्लास की शाइन देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है।
और डिस्प्ले भी कितना अच्छा चल रहा है। इस तरह हम किसी भी मॉडल एज को हम ग्लास चेंज कर सकते हैं।